हिंदी के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आदि गणेश। साहित्य की बात चल रही है, साहित्य के अंदर आज हम आगे बात करते हैं। उससे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, नेट की परीक्षा हो गई, अब आपके सामने है DSSB, जिसके अंदर DSSB के अंदर PGT का फॉर्म जिन मित्रों ने लगा रखा है, और दूसरा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। तो जिन जिन मित्रों को अगर चैनल में जाके आप अगर हिंदी साहित्य का इतिहास देखना तो चैनल में जाएं, कवि आदि गणेश सर्च करोगे आप तो उसमें प्ले लिस्ट में चले जाना, प्ले लिस्ट में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है, 9 से 12 पुस्तकें वो लिखी हुई है, काव्य शास्त्र लिखा हुआ है। तो अगर हिंदी साहित्य का इतिहास देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी साहित्य इतिहास को क्लिक कर लें तो वहाँ से पूरे हिंदी साहित्य की वीडियो आ जाएंगे। उनको एक नंबर जो पहला वीडियो वहीं से क्रमबद्ध रूप से देखें अच्छा रहेगा। अगर किसी को हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं देखना, उसको 9वीं वाली पुस्तकें देखनी, पद्यपाठ पाठ पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लिक कर लें। ऐसे आप क्रमभंग रूप से देखेंगे थोड़ा समझने में व्यवधान उत्पन्न होगा। तो आप देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय देवें कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो तैयारी करने वाले कौन कौन मित्र, कमेंट करके बताएं आप। साहित्य कक्षा में आज हम देखते हैं 1960 के पश्चात काव्य आंदोलन जो था उसको किस कविता के नाम से हम जानते हैं और 1960 के पश्चात के कौन कौन से काव्य आंदोलन हुए। तो 1960 के पश्चात के काव्य आंदोलन देखते हैं। 1960 के बाद की जो कविता है उसको हम साठोत्री कविता या समकालीन कविता के नाम से जानते हैं। साठ के बाद की कविता साठोत्री कविता या समकालीन कविता के नाम से जानते हैं। अब जो समकालीन कविता है उस समय के आंदोलन जो हुए काव्य आंदोलन, उनके नाम और उनके प्रवर्तक, इस तरफ काव्य आंदोलन के नाम है और इस तरफ उनके प्रवर्तक। सबसे पहले बात करते हैं नई कविता आंदोलन। नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक थे हमारे जगदीश गुप्त। फिर उसके बाद में अकविता आंदोलन के प्रवर्तक थे जगदीश चतुर्वेदी। सहज कविता के रविंद्र भ्रमर। ताजी कविता महत्वपूर्ण दोस्त ध्यान रखें, ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक थे लक्ष्मीकांत वर्मा। अभिनव कविता आंदोलन के प्रवर्तक थे इंद्रनाथ मदान। सनातन सूर्योदयी कविता के प्रवर्तक थे वीरेंद्र कुमार जैन। ये तो हो गए समकालीन कविता आंदोलन के अन्य नाम और उनके प्रवर्तक। ये आंदोलन थे इधर प्रवर्तक थे। इधर है युयुत्सावादी कविता आंदोलन, एक इसके प्रवर्तक थे सलभ श्रीराम सिंह। बिटनिक कविता आंदोलन के प्रवर्तक थे ग्लैमर व क्रेज। इनको कोर्ट के प्रश्न के रूप में या यूं कहें कि मिलान करने वाले प्रश्नों के रूप में पूछा जा सकता है और नेट के अंदर भी पूछा गया है। तो ये थे हमारे आंदोलन। अब देखते हैं प्रयोगवाद और नई कविता आंदोलन के अंदर जो भी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं थी उनको देखते हैं। इधर पत्रिका उधर उनके संपादक। नई कविता जो पत्रिका थी इसके संपादक थे जगदीश गुप्त। निषेध पत्रिका थी हमारे, इसके संपादक थे जगदीश चतुर्वेदी। निकस और धर्मयुग ये पत्रिकाएं थी, इनके संपादक थे धर्मवीर भारती। पहचान पत्रिका के अशोक वाजपेयी। सारिका और गंगा के कमलेश्वर, ध्यान रखें दोस्तों इनको, सारिका और गंगा पत्रिका के संपादक थे कमलेश्वर। आलोचना के थे नामवर सिंह और संकेत के पत्रिका के उपेंद्रनाथ अस्क। ये थी दोस्तों हमारी आज की साहित्य की कक्षा। आगे की साहित्य कक्षा में जो जीवनियां है, आत्मकथा है, निबंध है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। किन किन विद्वानों ने कौन कौन से निबंध लिखे, आत्मकथाएं लिखी, कहानियां लिखी, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे और कौन कौन से उनके रचनाकार हैं। अगर आपको हमारी कक्षा पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय बताएं और उन मित्रों तक पहुँचाएँ जो
कोचिंग कर पाने में असमर्थ है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।